और खबर दें आपको, एमक्यूएम का ट्रांसपोर्टेशन और फूड डिलीवरी वर्कर्स की इंश्योरेंस के लिए बिल लाने का फैसला। ट्रांसपोर्टेशन फूड डिलीवरी वर्कर्स को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराया जा सकेगा, क्या तफसीलात हैं राफे हुसैन से जानते, बताइए राफे। देखिए, एमक्यू मलकीन अब्दुल वसीम, शादिक जमाल और मजाहिर अमीर ने बिल लाने के लिए दरखास्त सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा दी है और दरखास्त के साथ वर्कर्स की फलाह बहबूद और इंश्योरेंस के हवाले से बिल की कॉपी भी जमा कराई गई है। अब बिल को सिंध प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर का नाम दिया गया है। कानून साजी से लाखों की तादाद में ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी वर्कर्स को कानूनी फ्रेमवर्क के तहत सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कराया जा सकेगा। कानून साजी का मकसद एक वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर फंड और गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के तरीकेकार का कयाम है। एमक्यूएम के बिल में यह भी कहा गया है कि कानून साजी के को समाजी तहफुज और फलाई फवाद तक रसाई को यकीनी बनाना है। बिल के जरिए वो नौजवान जो प्राइवेट या सरकारी मुलाजमत ना होने के बाइस ये काम कर रहे हैं उन्हें सरकारी तरजीह भी दी जाएगी, जबकि रेतनी वारदातों में ये वर्कर्स आसान हदफ होते हैं। कानून साजी से इनकी इंश्योरेंस हो जाएगी जिसके बाद किसी भी वाकई की सूरत। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन।